आज की वीडियो होगी हमारी प्रैक्टिकल के ऊपर, जो कि है हमारा बीपीसीसी 105 का। तो इसमें क्या क्या आपको गाइडलाइंस रहेगी और क्या क्या आपको करना है, क्या क्या आपको अगर नहीं पता तो आपको कैसे कैसे जाना है, क्या क्या करना है, वो सब के ऊपर चर्चा करेंगे। सो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी बेवकूफी और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब को बोलने से पहले। तो बीपीसीसी एक प्रैक्टिकल कोर्स है और सेकेंड ईयर में आता है, जिसके साथ बीपीसीसी 110 की भी आएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको बीपीसीसी 110 के प्रैक्टिकल वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, अगर आप बीपीसीसी 105 का भी देख रहे हो तो। बीपीसीसी 105 में बुक पे तीन प्रैक्टिकल्स दिए होते हैं, तीन प्रैक्टिकल्स में से आपको हमेशा दो प्रैक्टिकल्स अटेंड कराए जाएंगे। कभी अगर टाइम की कमी रहेगी तो एक प्रैक्टिकल अटेंड करवाया जाएगा। इसके एग्जाम की बात हम बाद में करेंगे, तो पहले प्रैक्टिकल क्लासेस होती है। हमेशा याद रखो कि हमारे वीडियोस प्रैक्टिकल्स के भले ही यूट्यूब पे आपको मेरे मिल जाए, विथ फाइल मिल जाए, सब कुछ के साथ मिल जाए, लेकिन हो सकता है कि आप अगर बना के जाओ और आपको टीचर कोई और प्रैक्टिकल करवा दे। क्यों करवाएगा कोई और? क्योंकि हर प्रैक्टिकल, मतलब जहाँ पे आपका प्रैक्टिकल सेंटर होगा वहाँ पे जरूरी नहीं है जो मुझे करवाएंगे वही भी इक्विपमेंट उनके पास हो सकता है, उनके पास दूसरे प्रैक्टिकल का इक्विपमेंट हो तो वो दूसरे प्रैक्टिकल आपको अटेंड करवा दे। तो हमेशा ध्यान रखो कि कोई भी चीज़ पहले से प्रिपेयर करके मत जाओ। अगर पता है कि यही चीज़ होने वाली तो आप प्रिपेयर करके जा सकते हो, वरना मैं कहूँगा प्रिपेयर करके मत जाओ। और प्रिपेयर करके क्या जाना आपको, आप हमेशा फाइल का इंट्रोडक्शन लिख के जाओ, क्योंकि इंट्रोडक्शन बहुत लंबे होता है किसी भी फाइल का, कि आप क्या क्या टेस्ट कर रहे हो और वो टेस्ट कहाँ से आया, कैसे उसकी परिचय रहा, उसमें क्या आपको डेफिनेशन देनी है, किस किस चीज पे है। तो हम लोग बीपीसीसी 105 हमेशा याद रखो सेमेस्टर खत्म होने के बाद होगा, ईयर खत्म होने के बाद। ये नहीं कि आप 6 महीने में जाके अपना प्रैक्टिकल्स नहीं दे सकते हो कभी भी, और ना रजिस्टर करवाने के बाद दे सकते हो। आप हमेशा अगर जून 2021 में अगर आप प्रैक्टिकल के लिए रजिस्ट्रेशन करवाए हो तो आप जून 2022 में जाकर के प्रैक्टिकल दोगे अपने एग्जाम सेशन से पहले या बाद में। ज़्यादातर एग्जाम सेंटर बाद में लेते हैं, क्योंकि बुक में भी डायरेक्शंस यही दी गई है कि एग्जाम हो जाने के बाद 30 अगस्त तक आपको प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाने रहते हैं, और इसका मार्क्स हर जगह अपने अपने सेंटर्स पर अलग अलग तरीके से चढ़ता है। ऐसा नहीं है कि तुरंत चढ़ जाए और ऐसा नहीं है कि बहुत देर बाद चढ़े। और मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, अभी ग्रेड कार्ड पे कंप्लीट होने के लिए बाकी कोर्सेज को ट्यूटोरियल्स आपको अलग से सबमिट करने पड़ते हैं असाइनमेंट के साथ, बीपीसीसी 107 का असाइनमेंट, और उसी का ट्यूटोरियल उसी के नीचे लगा देना, साथ में बांध देना या एक फाइल में लगा देने पे ट्यूटोरियल आपके चेक नहीं होंगे, वो रिटर्न हो जाता है और आपको फिर से ट्यूटोरियल सबमिट करना पड़ता है बना करके। तो हमेशा ध्यान दो कि ट्यूटोरियल अलग से सबमिट होता है। अब बात करते हैं दूसरे चीज़ों के बारे में, तो प्रैक्टिकल्स आप किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से। इसमें एक फाइल बनेगी जो कि वहाँ जमा हो जाएगी परमानेंटली। मैं कहूँगा हमेशा आप उसका एक PDF बना के रख लो, भले ही आप मुझे मत भेजो लेकिन आप बना के रख लो, आपको हो सकता है उसी एग्जाम में पहले पढ़ने को तैयारी करने में मदद मिलेगी। तो अब आ जाते हैं, मैं बात कर लेता हूँ एग्जाम के ऊपर, फिर हम लोग बात करेंगे कि मेरा प्रैक्टिकल कैसे हुआ और उसमें क्या कौन कौन से प्रैक्टिकल कराए गए। तो इसके एग्जाम्स जो होते हैं वो हमेशा ध्यान रखो, वायवा भी हो सकता है, रिटर्न भी एग्जाम हो सकता है, और प्रैक्टिकल अटेंड भी करवाया जा सकता है। मेरे में तीनों तरीके से लिया गया। पहले अगर कोई प्रैक्टिकल बेस का एग्जाम है जिसमें थ्योरी नहीं है तो उसको हमें अटेंड करवाया जाता था, एक छोटा सा ग्रुप बना करके, और सब लोग डाटा कलेक्ट कर लेते थे और फिर उस डाटा को सॉल्व करते थे, पूरा प्रैक्टिकल की फाइल लिखते थे, और उस फाइल को लिखते ही लिखते पारी पारा सब लोग को धीरे धीरे करके एक एग्जामिनर बुलाती थी और उसी फाइल से रिलेटेड हर चीज़ पूछी जाती थी, किसी भी चीज़ को पूछ लिया जाता था कि ये चीज़ कैसे आया आप जो। और ध्यान रखो हमेशा वही चीज़ लिखो जो आपको आती है, क्योंकि ना प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो पूछा जाता था वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो आप एग्जाम कॉपी में लिख रहे हो, ना कि वो चीज़ जो आप प्रैक्टिकल फाइल में लिख चुके हो। मतलब एग्जाम कॉपी में अगर आप किसी और को कॉपी कर रहे हो तुरंत पकड़ा जाएगा कि अगर आपसे पूछ लिया गया कि क्या होता है इंटरेस्ट, कितने टाइप का होता है इंटरेस्ट, या क्या हो जाती है रुचि, रुचि क्या इंटरेस्ट कितने पर कैसे होता है, जन्मजात इंटरेस्ट कैसा होता है और अर्जित इंटरेस्ट कैसा होता है, रुचि कैसी होती है। तो इसमें आप कभी भी फंस सकते हो, बहुत बुरा फंसोगे, और कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस होके मत जाना। हम वायवा में आपको यही बस राय देंगे कि हमने जितने लोग को देखा जो ओवर कॉन्फिडेंस होके गए वो फिर मुंह लटका के वहाँ से वापस आए। तो और पता नहीं मेरे ऊपर क्या मैडम मेहरबान थी कि हमेशा मेरा सारे सारे वायवा बहुत अच्छे गए, जो पूछा वो बताया। और ऐसी ऐसी चीज़ भी कई बार पूछ ली जाती है जो आप एग्जाम कॉपी में नहीं लिखे होते हो या किसी और का लिख देते हो, जैसे कि आपका जो टेस्ट हुआ वो किस
साइंटिस्ट का टेस्ट था जिसने आप करवाया, आप किसी ने छाप के लिख दिया दूसरे साइंटिस्ट का टेस्ट, इसलिए साइंटिस्ट का टेस्ट हम कर रहे हैं, और उसने नाम को याद भी नहीं किया। और वही जाति मैडम ने सबसे पहले पूछ लिया कि क्या कौन साइंटिस्ट ने टेस्ट दिया था, लो लव लव लू लव किया वो लड़का, बस फिर क्या होगा, कोई बात नहीं है, बस समझ जाती है कि दूसरे का लिखा है देख करके। तो हमेशा यही चीज याद रखो, जो लिखो पढ़ के जाओ, और जो डेफिनेशन आप कहीं चीट बना के लिख के जा रहे हो, सबके सब क्लास में सबके सब नकल कर रहे थे, हम क्या बताया, इतना बुरा लगा हमको। तो अब हम अपने प्रैक्टिकल की बात करते हैं। प्रैक्टिकल में हम लोग में बीपीसीसी 105 में हुआ दो, जो कि है रुचि परिसूचि परीक्षण, जिसमें आपको एक क्वेश्चनायर दिया जाता है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होता है, और उसमें 7 फील्ड होती है जिसमें एग्रीकल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी और क्या था, फाइन आर्ट्स, एग्रीकल्चर हो गया, कॉमर्स हो गया, साइंस, टेक्नोलॉजी, 7 फील्ड थी जो कि मेरे प्रैक्टिकल फाइल में आपको देखने को मिलेंगी। और फिर उसमें जो वो करना था, उसमें आपको टिक लगाना नहीं था, उसमें आपको बस आपके कौन से क्षेत्र में है, उसमें कुछ क्वेश्चन आयर में हर क्वेश्चन से 7 ऑप्शन थे, जिसमें से 5 को आपको टिक करने करना था। 5 को टिक करते करते फिर उसमें एक आंसर शीट मिलती है, आंसर शीट नहीं कहते उसको, उसको कहते हैं सबस्टेंस शीट या क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ नाम रहता है यार, सबस्टेंस शीट या कुछ नाम रहता है, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। तो उससे उसको मिलाते हैं, हर सेंटेंशन शीट होती है या कुछ होता है, उस शीट पे आंसर शीट मान लो उसको अभी नाम, उसको को मिलाते हैं, उस जो हम लोग फिल करते हो मार्क्स वाला उसको पे रख रख के 7 सीट पे मिलाते हैं, और उसके डाटा कलेक्ट करते हैं, कुछ डाटा को निकालते हैं, फिर आपका इंटरेस्ट किस में सबसे ज्यादा है उसको एकदम आंकड़ों में सारणी में बैठाते हैं, और फिर उसका इंटरेस्ट निकालते हैं, और फिर उस इंटरेस्ट पर डिस्कशन चर्चा करते हुए प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट होती है। और फिर जो सेकेंड टेस्ट था वो हम लोग का था TATV, टीचर एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी, बैटरी टेस्ट नहीं था, टेस्ट बैटरी था, TATV। तो उसमें ये देखना था कि उसमें शायद 80 क्वेश्चंस थे, और टीचर में की क्या क्या क्वालिटी होती है उसमें ये था, और उसमें मैं 3 चीज थी, पहला था राइट, दूसरा था रॉन्ग, और तीसरा था डाउटफुल। तो राइट को था 3 नंबर, रॉन्ग को था 1 नंबर, और डाउटफुल को था 2 नंबर, और उससे करके आपको एक डाटा कलेक्ट करना था कि कितना आपको कैसे आ रहा है, फिर उसको करके पूरे फाइल तैयार करनी थी। तो ये 2 टेस्ट हम लोग को करवाए गए थे, जिसके प्रैक्टिकल फाइल मैंने बहुत पहले अपलोड कर दी है, आप जा करके देख सकते हो, मैं लिंक तो नीचे डालने में अभी इतना नहीं है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल के रिलेटेड जो प्लेलिस्ट है अभी जो आपको दिख रही होगी उसमें ही आपको प्रैक्टिकल के रिलेटेड ये फाइल भी दिखेगी। तो गाइड वीडियो में आपको मैं यही कहता हूँ कि प्रैक्टिकल को हमेशा अटेंड करो, आप 3 साल के प्रैक्टिकल एक बार में अटेंड कर सकते हो अगर आप नहीं जा सकते, लेकिन प्रैक्टिकल को एक बार में अटेंड करने से जो प्रॉब्लम्स होगी वो होगी आपको बहुत जल्दी जल्दी फाइल बनानी पड़ेगी, बहुत जल्दी जल्दी एग्जाम देने पड़ेंगे, और फिर ग्रेड कार्ड कंप्लीट होने में भी अगर टाइम लग सकता है, ऐसे आपके 2 एग्जाम्स फंसेंगे, आप 2 एग्जाम्स को कभी भी कंप्लीट, मतलब प्रैक्टिकल को लास्ट में कंप्लीट कर सकते हो आप, मैं कहूँगा। दूसरे ये सेकंड ईयर में आप जाकर के 4 प्रैक्टिकल अटेंड कर लो एक बार में, और फिर थर्ड ईयर में फिर 2 प्रैक्टिकल अटेंड कर लो। BPCE 144 एक डिजर्टेशन कोर्स है, इसमें प्रैक्टिकल्स नहीं होंगे ना कोई एग्जाम्स होगा, ये एक प्रोजेक्ट बनता है, और इसका एक वाइवा होगा या एग्जाम्स होगा, जो भी आप समझ लो, जो भी आपका सेंटर कराए समझ लो क्या, जहाँ पे आप 2 ने जाओगे ये चीज, तो बस है। तो इसमें एक फाइल बनेगी क्या आपकी प्रैक्टिकल की, और एक फाइल बनेगी प्रोजेक्ट की। प्रोजेक्ट की जितनी अच्छी बना सकते हो उतनी अच्छी बनाना, क्योंकि ये आपके हाथ में रहता है, आपके पास बुक रहती है उसको कंप्लीट करने के लिए, अच्छी टॉपिक रहती है। और प्रोजेक्ट पर मैं किसी और वीडियो में बात करेंगे। सो गाइस वीडियो ऐसी लंबी हो गई है, 9 मिनट की हो गई है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में, किसी भी तरीके का डाउट हो, कमेंट हो, डाउट हो, प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मिलते हैं एक नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल बनाओ, चैनल सब्सक्राइब करना। टाटा बाय बाय।